अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं कोड विद इसाक। आज की इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। किसी सी स्ट्री में डिस्प्ले प्रॉपर्टी है क्या और हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर यहां पर हम आज तीन वीडियो को पढ़ेंगे। यहां पर हमारे पास पहले वीडियो है नन इनलाइन ब्लॉक, ये तीन वीडियो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल वीडियोज़ और भी है, लेकिन इसका हम कोई और वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ तीन वीडियो का बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोडेटर को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो पैराग्राफ बनाया हुआ है और यहाँ पर मेन डॉट सी एस एस में मैं इसका कलर स्टाइलिंग करूँगा और यहाँ गूगल क्रोम में हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लास लगाया है वन, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन हुआ। और इसके बाद यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ टू, और इसका बैकग्राउंड कलर हुआ हॉट पिंक। मैंने इसे सेव किया। यहाँ पर आकर आप देख सकते हो दोनों का बैकग्राउंड कलर आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले लगाया, डिस्प्ले के अंदर मैंने नॉन लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसा ही रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो एक पैराग्राफ वाइप हो गया। तो नॉन की मतलब यह होती है कि यह पैराग्राफ शो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ब्लॉक, यहाँ पर मैंने ब्लॉक लगाया, सेव किया। तो ब्लॉक पैराग्राफ की बाय डिफॉल्ट वीडियो होती है। कुछ कंटेंट ऐसी भी होती है जिसकी इनलाइन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है और कुछ ऐसी होती है जिसकी ब्लॉक बाय डिफॉल्ट वीडियो होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो ब्लॉक है तो ये इसका बाय डिफॉल्ट वीडियो है। यहाँ पर ब्लॉक कोई असर नहीं पड़ रहा है इस पर। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और वीडियो है इनलाइन, तो यहाँ पर मैंने इनलाइन लगाया और यहाँ पर मैंने इसे सेव किया और यहाँ गूगल क्रोम पे आकर रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लगाते हैं डिस्प्ले इनलाइन। तो आप देख सकते हो हमने एक ब्लॉक वैल्यू को इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एंड हुआ है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एंड हुआ है। तो हमने यहाँ पर दो ब्लॉक वैल्यू को इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी वैल्यूज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ये हटा कर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इसे ब्लॉक को ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ लेस्ट एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास है लेस्ट एटम, मैंने इसे सेव किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारा वैल्यू लेस्ट एटम में कन्वर्ट हो गया। तो यह इसी तरह बहुत सी वैल्यूज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, यही वीडियो काफ़ी है इस वक्त। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।